चिपको मूवमेंट मीन्स किसी वस्तु से लिपटना, मूवमेंट आंदोलन। वुमेन्स वुमेन एंड मेन स्टैंडिंग अराउंड ट्री हगिंग देम होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स। दिस वॉज द सीन इन ए विलेज इन उत्तर प्रदेश इन 1973 नाउ इन उत्तराखंड वेयर द मॉडर्न चिपको मूवमेंट took birth under the aegis of Sundar Lal Bahuga, a noted Garhwali environmentalist. बताया गया कि महिलाएं और आदमी लोग पेड़ के चारों तरफ लिपट कर खड़े थे, अपने हाथों के माध्यम से भी पेड़ को अपने गले से लगाए हुए थे। यह दृश्य जो है यह उत्तर प्रदेश के एक गांव का है 1973 का, जो यह गांव इस समय उत्तराखंड राज्य में है, जहाँ पर यह आंदोलन उठा। यह जो है सुंदर लाल बहुगुड़ा जो एक पर्यावरण के बहुत प्रेमी हैं, उनके मार्गदर्शन में यह आंदोलन शुरू किया गया। दिस वॉज द स्ट्रांगेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रैम्पेंट कटिंग ऑफ ट्री। यह जो है पेड़ों के काटने के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन था। वेयर पीपल असर्टेड देयर राइट ओवर नेचर वोविंग टू प्रोटेक्ट इट, जहाँ पर लोग जो है प्रकृति की सुरक्षा करने के लिए अपने मतलब की कसम खाए थे। द मूवमेंट टर्न्ड 46 ईयर ओल्ड टुडे, मतलब कि आज जो है आंदोलन का शुरू है लगभग 46 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। चिपको मूवमेंट डेटेड टू 1730 AD व्हेन द खेजराली विलेज ऑफ राजस्थान 363 पीपल ऑफ बिश्नोई ट्राइब्स सक्रीफाइस दियर लिप्स टू सेव खेजरी ट्री। चिपको आंदोलन 1730 एनडोमनी में जब खेजराली गांव के लोग, राजस्थान के खेजराली गांव के 363 लोग जो बिश्नोई में रहा करते थे, वे लोग खेजरी एक वृक्ष है उसके लिए इन लोगों ने बलिदान दे दिया था। वुमेन नेम्ड अमृता देवी लेड द मूवमेंट इन द 18th सेंचुरी एंड लेट डाउन हर लाइफ लॉन्ग with a group of villagers while protecting tree from being felled, the order of kings of Jodhpur। बताया गया 18वीं शताब्दी में अमृता देवी जो है अपने गांव वालों के साथ वह जो है इस आंदोलन में भाग ली थी, और वहां जो जोधपुर के राजा थे उनके आदेश पर इन लोगों को मार दिया गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद द किंग इन ए रॉयल डिक्री बैंड कटिंग ऑफ ट्री इन ऑल बिश्नोई, इस आदेश के बाद पूरे बिश्नोई में आदेश हुआ कि कोई भी किसी पेड़ को नहीं काटेगा। बस।